नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टाइपिस्ट ऑफ वेरिंग स्किल कैन डू ए टाइपिंग जॉब इन सिक्स मिनट्स इफ दे वर्क टुगेदर देखिए दो टाइपिस्ट हैं अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो वो काम को छः मिनट में कर लेते हैं ठीक है इफ द फर्स्ट टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर फोर मिनट एंड देन द सेकेंड टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर सिक्स मिनट दे वुड बी लेफ्ट विद वन फिफ्थ ऑफ द होल वर्क अगर जो पहला टाइपिस्ट है वो चार मिनट काम करे और उसके बाद छः मिनट दूसरा टाइपिस्ट काम करे तो उन वो एक बटा पाँच काम को छोड़ देते हैं बाकी को कंप्लीट कर लेते हैं ये कहने का मतलब यानी टोटल काम अगर पाँच है तो फोर बाई फाइव तो वो कर देते हैं लेफ़्ट कितना रहता है वन बाई फाइव ठीक है हाउ मैनी मिनट्स वुड इट टेक द स्लोअर टाइपिस्ट टू कम्प्लीट द टाइपिंग जॉब वर्किंग अलोन जो स्लोवर टाइपिस्ट है उसको वो सारा काम करने में कितने मिनट लगते हैं वो हमें समय निकालना है राइट right? मान लीजिए जो फर्स्ट टाइपिस्ट है उसकी एफिशिएंसी है एक्स ठीक है वो एक मिनट में एक्स यूनिट काम करता है और जो दूसरा टाइपिस्ट है वो वाई यूनिट काम करता है एक मिनट में तो टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा टोटल वर्क कितनी कंप्लीट किया है छ मिनट में कंप्लीट किया है जब दोनों ने इकट्ठा काम किया तो दोनों की एफिशिएंसी में जोड़ रहा हूँ ठीक है ना और छ से मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या आ गया टोटल वर्क टोटल जो काम था हमारा ये था राइट अब क्या पूछा है अब क्या दिया गया है इफ द फर्स्ट टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर फोर मिनट तो पहला जो टाइपिस्ट था अगर वो एक मिनट में एक्स यूनिट काम करता है तो चार मिनट में वो कितना करेगा चार एक्स तो पहले टाइपिस्ट ने चार यूनिट चार एक्स काम किया देन द सेकेंड टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर सिक्स मिनट तो दूसरा टाइपिस्ट था उसने सिक्स वाई इतना काम किया फोर एक्स प्लस सिक्स वाई ये आ गया किया हुआ काम ठीक है और फिर दे वुड बी लेफ्ट विद वन फिफ्थ ऑफ द होल वर्क यानी जो पूरा काम है ठीक है ठीक है उसके वन फिफ्थ जो काम है वो नहीं हो पाया हुआ हुँ, हुँ, कितना है देखिए ये काम किसके इक्वल है पूरे काम के चार बटे पाँच के क्योंकि ये तो बचा हुआ है ठीक है ना ये तो बचा हुआ काम है ये काम कौन सा है जो हो गया ठीक है ना? तो फोर बाय फिफ्थ ऑफ टोटल वर्क टोटल वर्क तो ये था सिक्स इंटू एक्स प्लस वाई राइट ठीक है अब यहाँ से यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं कैसे निकालेंगे इसको 5 को इधर लेके जाइए 20x एक्स थर्टी वाई दैट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स राइट तो y इधर आ जाएगा तो 6y वाई दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी इधर जाएगा तो 4x एक्स right? राइट तो x अपॉन वाई किसके इक्वल आ जाएगा थ्री बाई टू के देखिए y इधर चला गया फोर इधर चला गया तो थ्री बाई टू इक्वल है x बाई वाई के राइट तो x की वैल्यू अगर तीन है तो y की वैल्यू कितनी है दो ठीक है तो हमें क्या निकालना है हमें ये निकालना है कि स्लोवर टाइपिस्ट स्लोवर टाइपिस्ट कौन सा है फिर y वाला है ना ठीक है ना तो ये क्या है स्लोवर ठीक तो है तो पूछा है हाउ मैनी मिनट्स वुड इट टेक द स्लोअर टाइपिस्ट टू कम्प्लीट द टाइपिंग जो वर्किंग अलोन तो वाई को कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है देखिए टोटल काम कितना है एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखिए तीन प्लस दो और छः से गुना करेंगे तो क्या आएगा थर्टी और डिवाइड में डिवाइड में क्या रहेगा एफिशिएंसी देखिए टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी क्या देती है टाइम ठीक है तो एफिशिएंसी कितनी है वाई यानी दो ठीक है ना अगर वो एक यूनिट टाइम में दो काम करता है और तीस काम कितने मिनट में करेगा पंद्रह मिनट में ठीक है तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है